हेलो। हेलो हाँ जी। या आपसे मैंने ना एक फोन लिया था, लेकिन इसमें ना अभी मैंने चेक किया ना, बहुत सारी दिक्कतें हुई थी जो परसों आपसे फोन लेकर के आया था, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। कौन अभी सा फोन आपको लिया था जैसे आपने? आईफोन जो लिया था आपसे मैंने, तो ओके, उसमें ना बहुत सारी दिक्कतें अभी जब मैं चेक कर रहा हूँ तो। तो भैया आपको हमने शॉप पे चेक कराया था। हाँ, शॉप पे उतना मेरे को आइडिया नहीं था कैसे चेक कर रहे, मैंने तो बेसिक सीखा था खाली है में। नहीं, भैया शॉप से जाने के बाद की गारंटी हम नहीं लेते भैया, आई एम सो सॉरी। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि अगर आप फोन को अच्छे से चेक नहीं करते हो तो बाद में नुकसान आप ही का होता है। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ऐसे 15 तरीके जिनसे आप रिफर्निश या सेकेंड हैंड आईफोन को चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि जैसे फोन चोरी का तो नहीं है या फोन रिपेयर तो नहीं हुआ है। तो विदाउट फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम संदीप यादव, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों आपको फ़ोन की फ़िजिकल कंडीशन बारीकी से चेक करनी है और बहुत बारीकी से देखना है कि फ़ोन की फ़िजिकल कंडीशन ठीक है या नहीं। फिर दोस्तों आपको अपने फ़ोन के सारे बटन ट्राई करके देखने हैं कि आपके बटन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चाहे वॉल्यूम बटन हो, चाहे आपका साइलेंट मोड पर करने वाला बटन हो, और फिर चाहे वो पावर बटन हो, आपको सारे बटन ट्राई करके देखने हैं कि अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको स्पेसिफिकेशन मैच करनी है, मॉडल और स्टोरेज जो बताया जा रहा है वो है या नहीं। सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपको जाना है जर्नल। जर्नल में जाने के बाद में आप लोग देख सकते हैं अबाउट, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसमें स्टोरेज का सारा दिख रहा है, ठीक है, और मॉडल नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो ये आपको चीज़ें मैच करनी है इसलिए ताकि जो आपको बताया जा रहा है वो चीज़ सेम है या नहीं। नेक्स्ट आपको चेक करना है कि आपका फ़ोन जेन्युइन है या नहीं, आपका फ़ोन फेक तो नहीं है। तो सेम प्रोसेस आपको जर्नल में जाके अबाउट में जाना है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका सीरियल नंबर दिख रहा होगा, इसको कहीं आपको लिख लेना है या कॉपी कर लेना है। देन एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट होती है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको वही सेम टाइप करना है, कैप्चर कोड टाइप करना है, देन कंटिन्यू करना है। तो अगर आपका फ़ोन वैलिड है तो आपको वैलिड परचेज दिखाएगा, अदरवाइज यहाँ पर कोई डिटेल नहीं आएगी, इसका मतलब फ़ोन क्लोन है या कॉपी है। नेक्स्ट दोस्तों आपको अपने IMEI नंबर से ये वेरीफाई करना है कि ये फ़ोन आपका चोरी का तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपको IMEI नंबर यहाँ से निकालना है, देन यहाँ पे आई एन लॉकर पर आकर के इसको टाइप कर देना है, देन एंटर कर देना है। उसके बाद आपकी जो फ़ोन की डिटेल है वो नीचे खुल जाएगी, कई सारी डिटेल हैं जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। मेन जो होता है वो होता है GSMA ब्लैकलिस्ट स्टेटस, ये आपका क्लीन होना चाहिए, अगर ये क्लीन नहीं है इसका मतलब कि ये फ़ोन चोरी का है। फिर आपको अपने फ़ोन की बैटरी हेल्थ चेक कर लेनी है, आप सेटिंग पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको वहीं पे बैटरी का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करेंगे देन आपको दिख रहेगा बैटरी हेल्थ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी बैटरी हेल्थ दिखा रहा है। ये बैटरी हेल्थ मेक श्योर कि 80% के ऊपर हो तभी फ़ोन लें, अदरवाइज फ़ोन ना लें। दोस्तों बैटरी बैकअप चेक करने के लिए आपको अपना कैमरा ओपन कर लेना है और अभी देख सकते हैं 53% बैटरी है, और उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन से फास्ट फॉरवर्ड मोड पे काफ़ी सारे फोटोज़ क्लिक करने हैं, एटलीस्ट 500 से 1000 के बीच में। फिर देखना है कि आपको जो बैटरी घटी है कितनी घटी है, अगर ये 1-2% या 4% घटती है तब ठीक है, अगर ये कहीं 10% या 20% घट रही है इसका मतलब कि बैटरी आपकी बैकअप नहीं देने वाली, तो बैटरी बैकअप ऐसे चेक करें। नेक्स्ट दोस्तों आपको अपने फ़ोन के डिस्प्ले चेक करना है कि इसमें किसी भी तरह का हल्का सा कोई दाग धब्बा तो नहीं है, तो एक बार आप ब्राइटनेस को फुल करिए और एक बार ब्राइटनेस को डाउन कीजिए, इसमें देखिए किसी तरह वाइट या ब्लैक कलर का कहीं भी छोटा से या बड़ा कोई धब्बा तो नहीं है, तो मेक श्योर जरूर करें कि आपकी स्क्रीन में किसी तरह का कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों टच को चेक करने के लिए आप किसी भी आइकन पर क्लिक करके उस आइकन को स्क्रीन के चारों कोने यानी पूरी स्क्रीन पर घुमा के देखें, और आइकन कहीं छूटना नहीं चाहिए, छूट गया इसका मतलब उस जगह पर टच काम नहीं करता। फिर दोस्तों आपको अपना कैमरा चेक करना है, और कैमरा जब आप चेक करेंगे तो आप सारे कैमरा के मोड एक बार ट्राई करके देखें, और उसके बाद आप कैमरा का जो है फ्रंट भी ट्राई करके देखें, बैक भी ट्राई करके देखें, वीडियो मोड पे डाल के देखें, सारी सेटिंग वगैरह चेंज करके देखें और उसकी परफॉर्मेंस देखें कि आपको कैसी क्वालिटी मिल रही है। तो मेक श्योर करें कैमरा के सारे फंक्शन और क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही हो। फिर दोस्तों फ़ोन में जो भी सिक्योरिटी सिस्टम हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो या फेस लॉक हो,
उसको भी ट्राई करके देखें कि फेस लॉक अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या आपका अगर फिंगरप्रिंट है तो वो काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर दोस्तों आपको अपना चार्जिंग पोर्ट चेक करना है कि ज़्यादा घिसा तो नहीं है, और उसमें चार्जर लगा के देखें कि वो फुल टाइट है, ढीला तो नहीं है, तो चार्जिंग पोर्ट को भी अच्छे से चेक करें। फिर दोस्तों आपको अपने फ़ोन की ब्लूटूथ डेटा और पर्सनल हॉटस्पॉट, GPS, ये सारी चीज़ें वन बाई वन आपको चेक करनी है मैनुअली अच्छे तरीके से। दोस्तों अगर वाईफाई, ब्लूटूथ और ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा चेक करना टाइम टेकिंग लग रहा है, तो डॉक्टर फोन्स करके एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है, वो आप फ़ोन में डाउनलोड करें, देन आप सिंगल क्लिक पे सारी रिपोर्ट ऑटोमेटिक इसमें देख सकते हैं। आपको फ़ोन में चेक करना है कि किसी की एप्पल आईडी पहले से लॉग इन तो नहीं है, अगर लॉग इन है तो उसको लॉग आउट करा दें, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी उसको लॉग आउट करने में। फिर दोस्तों आपको किसी को कॉल करना है और ये चेक करना है कि आपकी बात अच्छे से हो रही है, साथ ही साथ अपना स्पीकर सेंसर जो होता है और अपना माइक, आपको इसी दौरान, इस कॉल के दौरान पता लग जाएगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।